सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि मैं आज मूली की भुजिया पका रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती है मूली तो हालांकि इसके बेनतहा फ़वादे लोगों को पता ही नहीं है, तो मैं पहले आपको इसके फ़वाद बता देती हूँ कि सब्ज़ियों में जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की सब्ज़ी है, जिसमें बेशुमार मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, जिससे हमारे अंदरूनी अज़ा को फ़ायदा होता है। उसमें नंबर एक जिगर है, जिगर के लिए तो बेनतहा मुफीद है। जो लोग मूली खुश हो जाएंगे उनको अब इंशाल्लाह ताला जिगर की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मूली इस्तेमाल करेंगे, ये बात जदीद तहकीक से भी साबित हो चुकी है। मूली जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके अलावा गुर्दे के तमाम इन्फेक्शन को दूर करती है, गुर्दों की सफाई करती है, पेशाब की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे मैदे को होता है, जिन लोगों को मैदे में गैस बनती है, सीने में जलन होती है, खाना देर से हज़म होता है, खट्टी डकारें आती हैं, इसका सबसे मौसर हल मूली है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और ये किस तरह बनेगी। ये देखें, मूली के पत्ते इस तरह के होते हैं और जो मूली होती है वो लंबी सी होती है और ये वाइट कलर की होती है इस तरह की ना। तो मैंने इसको जो है पत्तों को इस तरह बारीक काट लिया है और इसको भी ये देखें इस तरह से वाइट हिस्से को इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। इन दोनों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है पानी से, सारी इसकी मिट्टी वगैरह निकाल के अब हम इसको बॉयल करेंगे। उसमें मैं ये हरी मिर्चें डालूंगी, देखें ये वाली हरी, इतनी सारी हरी मिर्चें डालूंगी, 8-6-7 आप ले लीजिए। और जो है लहसुन मिला के इसको और नमक मिला के हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। और फिर इसके बाद ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल करने रख देंगे। फिर ठंडा करने के बाद इसको जो है ग्राइंडर में या सिल पर अगर पीसें तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको पीस लेंगे। और उसके बाद इसका भगार करेंगे, तो भगार में ये 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और 6 से 7 ये साबित मिर्ची डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नमक थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये इस तरह बारीक कटा हुआ लहसुन है, इससे भगार देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मूली की भुजिया तैयार होगी, जो कि लोगों को पता ही नहीं कि कितने फ़ायदे की है। तो आइए चले बनाते हैं। अच्छा जी, देखें तो फिर अब ये मूली है, इसको हम बॉयल करने के लिए रख रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 2 कप पानी इसमें डालेंगे। और जब ये बॉयल हो जाएगी तो फिर हम इसको चॉपर में पीस लेंगे। ये हमने रख दिया है इसमें, और नमक क्योंकि इसके अंदर खुद होता है तो हम नमक जो है बस 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, अगर बाद में हमें कम लगेगा तो बाद में डाल लेंगे। और इसमें जो है 1 कप पानी डालेंगे अभी हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप पानी डाल के हम इसको फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। जी देखें, हमारी मूली जो है ये बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, ये देखें इस तरह जब ये हो जाए एकदम से नरम सी, तो फिर आप उतार लीजिएगा। अब हमने इसको ठंडा कर लिया, ये हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा लहसुन डाल के अब हम इसको पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इनको। और उसके बाद हमने इसको पीस लिया है, अब हम इसको सरसों का तेल लिया हमने और इसमें ये हम ये साबुत मिर्ची डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम लहसुन लेंगे, काफ़ी लहसुन लेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है इसका। और ये जीरा लेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे हम। बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी मूली बन रही है, मूली की भुजिया पिसी हुई। और मूली का तेल इसके लिए बारिश का मौसर इलाज है। मूली का सफ़ेद हिस्सा खाएं या पत्ते खाएं, दोनों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मूली कच्ची खाएं या पक्की खाएं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और यह है कि मूली का अचार भी बनता है, मूली का सिरका भी बनता है और मूली के पराठे भी बनते हैं। इसलिए मूली का मौसम है, हम आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद बता रहे हैं, इसलिए कि लोग जो है ना इसको पसंद ही नहीं करते हैं, मूली को कोई खाता ही नहीं है। हालांकि ये बेचारी तो फ़वाद से भरी पड़ी है, मगर लोग अच्छी चीज़ों को छोड़कर बाजार की बनाई हुई चीज़ें बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। और आप लोग ऐसा करें कि मूली से मोहब्बत करना सीख लें, मूली से दोस्ती कर लें, बच्चों को भी बताएँ कि मूली के कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि बच्चे तो मूली को जानते ही नहीं हैं। यूरिक एसिड भी उससे ख़त्म होता है, हाथ पाँव की जलन ख़त्म होती है। तो हमारा ये जो लहसुन है ये हो गया है, अब हम ये इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा उछल रहा है
तो जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए हम इसको भूनते रहेंगे अच्छी तरह से। कोई चीज़ भी जो है ना मेहनत से कब, हर चीज़ में मेहनत बहुत लगती है। हमने कहा चलो आसान सी मूली की भुजिया बना लें, तो इसमें भी अच्छी खासी मेहनत वाला जो है मूली की भुजिया या मूली का साग जो है तैयार हो चुका है। सरसों का साग तो लोग बहुत पसंद करते हैं, बेचारी मूली को नहीं लोग पसंद करते हैं। तो देखें ये हमारा तेल जो है अब नज़र आने लगा है, पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, बहुत ज़बरदस्त था हमारा ये मूली की भुजिया तैयार हुई है। आप खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है ये और जिसम को बहुत ताकत देती है। गुर्दे और मसाने की पथरी को रेजा रेजा करके निकाल देती है ये, जिगर की हर तरह की, कोई सा भी खुदा ना करे हेपेटाइटिस हो किसी को तो इसका जूस निकाल के उसमें शहद मिला के पिए आप, इंशाल्लाह ताला जिगर की हर बीमारी जो है दूर होगी और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखें ये बिल्कुल अब तकरीबन तैयार हो चुकी है, पानी इसका बिल्कुल खुशक हो चुका है। इस तरह इसको पका लेंगे और इसमें मक्खन ऊपर से डाल के या देसी घी के साथ गरम गरम रोटी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें आएँ इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मूली की भुजिया हमारी जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खुशबू इसमें से निकल रही है। आप ज़रूर बनाइएगा और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की रेसिपियाँ लेकर आते हैं ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। और हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसी रेसिपी लाएँ जिससे आपकी सेहत भी बरकरार रहे और आपका दस्तरखान का जायका भी बरकरार रहे। तो बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनी है, खा के देखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।